स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले ग्रीटिंग पार्ट टू। इसमें हम सीखने वाले हैं ग्रीटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें तो आप बहुत सारी नई चीजें भी यहाँ पे सीखेंगे। सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रीटिंग, जिसमें आप फॉर्मल वे में किसी को ग्रीट करते हैं तो हेलो से शुरुआत करेंगे, और यही अगर आप इनफॉर्मल वे में किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो हाय, हे और यो ग्रीट कर सकते हैं। फॉर्मल वे मतलब बॉस से कर रहे हैं, टीचर से, सीनियर से कर रहे हैं तो हेलो सर, हेलो मैम, इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। लेकिन अपने फ्रेंड से या जूनियर से आप ग्रीट कर रहे हैं तो हाय, हे एंड यू से शुरुआत कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ मीटिंग, जब आप सीनियर और बॉस से मीटिंग एंड कर रहे हैं तब जाते हुए आप बाय और गुड बाय का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं अगर इनफॉर्मल वे में आप किसी को जाते वक्त बोलना है तो वहां पे आप चाओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाओ का मतलब हाय और बाय दोनों होता है। ये एक इटालियन वर्ड है, सो इट कैन बी स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, बट इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है जो आप देख रहे हैं, सी आई ए को। और यहीं पर हम सी यू सून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस इज अ इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। फिर ये चार हमने तरीके लिखे हैं जो जब भी हम लाइफ में पहली बार किसी से मिल रहे हैं तब इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी से लंबे समय बाद मिल रहे हैं, या एक अनएक्सपेक्टेड जगह मिल रहे हैं आप, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, गुड टू सी यू। आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा, तो इंग्लिश में ऐसा बोलना है, नाइस टू मीट यू और गुड टू सी यू। और अगर आप कह रहे हैं आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, तो इंग्लिश में आपको बोलना है प्लीज टू मीट यू और ग्लेड टू सी यू। उसी के साथ आपको अपना नाम भी जोड़ना है। जैसे अगर मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूं तो मैं बोलूंगा नाइस टू मीट यू नवीन हियर, और सामने वाला मुझे जवाब दो प्रकार से दे सकता है। एक तो बोलेगा सेम हियर, दिस इज अ ऑर्डिनरी आंसर, और अगर उसे बेटर आंसर देना, अच्छा आंसर देना है तो वो बोलेगा प्लेजेंट स्माइल, मतलब ये मेरे लिए खुशी की बात है, और इसी के साथ वो अपना नाम भी जोड़ सकता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, जैसे कभी किसी से लंबे समय बाद मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे वे वर यू सो लॉन्ग, आप इतने समय कहां थे। आजकल आप ईद का चांद हो गए हो तो इंग्लिश में आपको बोलना है लॉन्ग टाइम नो सी। ये दोनों चीजें साथ में बोली जा सकती है जब भी आप किसी से लंबे समय बाद मिल रहे हैं। वे वर यू सो लॉन्ग, लॉन्ग टाइम नो सी, आप इतने समय से कहां थे, आजकल आप दिखाई नहीं देते हैं। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, इसी को हम व्हाट्स हैपनिंग भी कह सकते हैं। और फिर आपको बोलना है व्हाट्स न्यू, नया क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन हम मीटिंग के समय बोल सकते हैं। इनके आंसर्स हैं नथिंग मच, कुछ खास नहीं, वो जस्ट एज यूजुअल, हमेशा की तरह ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑल वेल। तो एट द एंड ऑफ मीटिंग और एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग वी नीड टू नो हाउ टू ग्रीट, हम किस प्रकार से ग्रीट करें शुरुआत के समय और एंडिंग के समय। दिस इज अ वेरी यूजफुल वीडियो विच कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर यू नो ग्रीटिंग, द वे ऑफ ग्रीटिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी नई चीजें सीखने को मिल सके। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।